ये भी कंफर्म हो चुका है, ये दूसरा वाला भी मेल है, सिर्फ एक फीमेल है और ये दोनों मेल जो है ना इस फीमेल को तंग कर रहे हैं। यहाँ पर ज़ोंबी बैठी हुई है, अंडे कितने हैं, 3 अंडे हैं, ज़ोंबी को हम यहाँ पर बैठा देते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने मोटे मोटे अंडे हैं इनके, ही हैं पुरानी वाली मुर्गियों के। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा अंडा है, कहीं हमारी रानी ने तो अंडा नहीं दे दिया, यहीं पर घुसी हुई है। लेकिन नहीं, रानी इतनी बड़ी है इस बॉक्स के अंदर नहीं आएगी, ये मुर्गियों के अंडे हैं। और ये ज़ोंबी यहाँ पर क्या कर रही है, चलें हम इन अंडों को निकाल ही लेते हैं, ऐसा ना हो थोड़ी सी देर ये पड़े रहें और फिर खा लिए जाएं। हमने अंडे उठाना छोड़ दिए हैं तो बाल्टी के अंदर देखें 7-7 अंडे हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार वाइट जैपनीज की एक फीमेल जो है ना यहाँ पर बैठ के अंडे देती है, तो उसके हो चुके हैं 7 अंडे। अब पता नहीं कौन सी वाली फीमेल है, ये भाग के आ रही है, मुझे लगता है यही वाली है। वो सारे भाग के आ गए हैं, उन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया है। ओह हाँ हाँ, खाने की भी चीज़ है ना इनकी, दाने हैं यहाँ पर, तो इसलिए पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, अंडे ना तोड़ देना कहीं। इसको देखें क्या हो गया, इसने भी खाने हैं, इन्होंने भी खाने हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा दाना पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, इन्होंने ये वाला दाना खाना है और एक अंडा इन्होंने फेंक दिया है। ये देखें मजनू ने एक अंडा फेंक कर तोड़ दिया, इसलिए जल्दी से इनको हम यहाँ से उठा ही लेते हैं। अभी हम दोनों की रेस लगने वाली है, ये बिल्कुल भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता, तो यहाँ पर रुको, आओ आओ ना आओ। अब इसको किसी की याद तो नहीं आ गई, आएगा अब आएगा, देखे जरा इसकी स्पीड है। मैं इस झूले के ऊपर बैठ जाता हूँ, शुक्र है चला गया, मेरे करीब ही नहीं आया, उसको पता चल जाएगा कि मैं झूले के ऊपर बैठने वाला हूँ, तो इसलिए वापस उस तरफ चला गया। और ये लैला मजनू के सारे अंडे बाहर पड़े हुए हैं। अली ये किसने फेंके हैं, पता नहीं कोई कोई घुस गया होगा, क्या पता लैला मजनू ने खुद फेंक दी हो। अभी भी तो मजनू ने एक अंडा उठाकर इतने गुस्से से फेंका है, तो 3 अंडे यहाँ पर पड़े हुए हैं और बाकी वहाँ पर भी हैं। ये टोटल अंडे कितने हैं, ये भी नहीं गिने, पता नहीं होंगे कोई 8-10 अंडे होंगे। ये अंडे भी उठा लेते हैं, लैला ने कुड़क नहीं होना, इस तरह वाले जितने भी अंडे थे ना हमने सारे उठा लिए हैं, ऐसे ज़ाया हो जाते हैं इन्होंने तोड़ देने से, तो अभी हम ये वाले अंडे भी उठा लेते हैं। सर यहाँ पर अंडे नहीं आ रहे, जो कि काफ़ी टेंशन वाली बात है, क्योंकि ये मुझे दोनों मेल ही लग रहे हैं, आगे से लड़ाई करते हैं। ओए बाहर आओ जी, चलो थोड़ा सा बाहर घूम फिर लो, लड़ाई नहीं लड़ाई नहीं, ये मुर्गा बहुत ज़्यादा ढीठ है, ये कबूतरों को मारता है। चलो जी आ जाओ, ये मुझे फीमेल लगती है। वे इसके तो पर खुले हुए हैं, अली इसके पर खुले हुए हैं, यार इसने उड़ना शुरू कर दिया, इसके तो पर खुले हुए हैं, हमें पता ही नहीं था, इसके पर बंधे हुए हैं और इसके पर खुले हुए हैं, और अगर ये कहीं भाग गए ना तो मसला बन जाएगा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है इनको निकाल कर। अभी एक काम करता हूँ, जिसके पर बंधे हुए हैं इसको वापस हम उस घर में छोड़ते हैं और ये खुद उड़कर उस तरफ आएगा। सामने उसको मैंने छोड़ दिया है, अब ये किसी तरीके से चला जाए। अली वो पकड़ने वाला ले आओ, ये देखें कितना ज़्यादा उड़ रहा है, वो पकड़ने वाला नेट किधर है, बस वो जल्दी से ले आओ, इसको किसी तरीके से पकड़ना है। अली ने तो अपनी ही करनी है, वो ये वो चला गया चला गया। अब इसको पता चल चुका है इसके घर का, शुक्र है। देखें कितनी स्पीड से यहाँ से उस तरफ भाग के चला गया, अब नीचे वाली साइड पर देख रहा है कहीं भाग ही ना जाए, टेंशन लगी हुई, बोला था ना ले आओ, भाग के अभी भी जाओ, टाइम है ले आओ, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे भाग जाएगा कहीं। शुक्र है नीचे वापस आ चुका है, अब हम इसे इजीली यहाँ से पकड़ सकते हैं। शुक्र है यार मैंने इसे पकड़ लिया और इसके पर बिल्कुल भी नहीं बंधे हुए, चलो जाओ इसके बंधे हुए हैं, इसको तो हम इजीली पकड़ सकते हैं, ये इसके पर बंधे हुए हैं, ये देखें इसको क्या हो गया है, ये मेल है ना, अच्छा लेटा हुआ है ऐसे ही, मुझे लगा कहीं इसको कुछ हो ना, क्या हो इस तरीके से ना उल्टा लेटा हुआ था। ये रही एक फीमेल, माशाल्लाह काफ़ी मोटी है, अली इसके पेट में भी बच्चे हैं ये देखो, और मेरे ख्याल में हमने गलत फीमेल को बंद कर दिया है, वो नहीं है ये वाली है, देखो कितनी मोटी सी होकर एक जगह पर बैठी हुई है और सुबह से ऐसे सुस्त बैठी हुई है, ये भी काफ़ी मोटी हो चुकी है, इसका मतलब है कि हमारी दोनों फीमेल ना बच्चे देने वाली हैं। प्रिंसेस के जो बच्चे नीचे आ गए थे, अभी भी 4 बच्चे वहाँ सामने नीचे हैं, और ये 5वां बच्चा जो नीचे आया था सुबह तक तो ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन अभी देखें बेचारा मरा हुआ पड़ा है, ये इतने ज़्यादा नाजुक होते हैं, कुछ भी हो जाए ये बचते ही नहीं है, मर जाते हैं। ये देखें पता नहीं इसको क्या मसला है, माँ बाप ने फीड नहीं करवाई, बिल्कुल पोटा इसका खाली है, अब ये कंफर्म नहीं है कि भूख से मरा है या फिर इसको कोई और मसला था। जिस दिन से हमने पार्टनर को रुखसत किया है उस दिन से पार्टनर का मुंह बना हुआ है, जैसे हमने शायद कोई गलत काम कर दिया उस दिन से ना
ये ऐसी बैठी रहती है। जब उस तरह थी कम से कम शरारतें करती थी, बोलती थी, लेकिन अब ये देखें जहाँ पर ये सुबह बैठी थी ना वहीं पर अभी तक बैठी हुई है, रात भी यहीं पर गुजार देगी, जब इसे भूख लगी वहाँ जाएगी, खाए पिएगी और फिर वापस आकर यहीं बैठ जाएगी। राजू कैसे अब चक्करों पर चक्कर काट रहा है, इसने मेरे हाथ में ये केला देख लिया, अब तो ये खा के छोड़ेगा, आज इसका केला खाने का मूड है। ये लो यहीं से दे दो, पकड़ लो, यहाँ पे रख देते हैं, खुद ही खा लेगा। तुमने भी खाना है? खाना है? अच्छा ये लो, आ जाओ खाओ, शाबाश, आराम से, बाकी भी मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आज पार्टनर को राजी करना है, इसकी कोशिश यही की जा रही है। पार्टनर ये देखो क्या लाया हूँ, खा लो। नखरे ये खाएगा कितने मज़े से खा रहा है, इधर आ जाओ, यहाँ पर आओ, आराम से खाओ। नखरे ख़त्म, पार्टनर भी आ गई है खाने के लिए, उससे लेकर खा रही है, छीन के खा रही है। इधर आओ, ये खा लो, थोड़ा सा रह गया, ये खा लो वरना ये खा जाएगा। चलें जी, अब इसको ना फिर से हम दवाई लगाते हैं। इसकी पट्टी उतरी कहाँ पर है? इसने शायद कहीं उतार दी है। खैर, इसका ज़ख्म काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, एक दफ़ा हम इसे और दवाई लगाएंगे और फिर पट्टी कर देते हैं, आज फिर पट्टी कर देते हैं, इंशाल्लाह दो दिन तक तो ये ठीक ही हो जाएगा। वैसे भी इसके पैर ठीक होते जा रहे हैं, बस ये थोड़ी सी एक्टिंग जो है ना ये ज़्यादा करता है। ओए होए होए, इसने खाया हुआ माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है, इसका पोटा बिल्कुल फुल है, इसने अच्छे से खाया हुआ है। अली इधर करो ना, पाऊँ इधर करो, इधर करो, इधर हाथ करो ज़रा, इसको यहाँ पर छोड़ते हैं। जाओ जी, ये देखो ना कैसे एक्टिंग करता है, जैसे मर गया है। यहाँ से देखें, ये देखें, ओए उठे यार, बहुत हो गई है यार एक्टिंग, उठ जाओ, अब उठ जाओ, चलो शाबाश। मुंह देखे ना, इतने गुस्से से खोला हुआ है इसने, वो काटता इतने ज़ोर से है ना। इसके लिए लाओ ना कुछ खाने के लिए, वैसे इसे भूख नहीं है, इसने बहुत ज़्यादा खाया हुआ है, लेकिन फिर भी अपने हाथों से खिलाकर इसे अपना दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं। इसकी पट्टी हमने कर दी है, लेकिन गुस्सा इसे फिर भी चढ़ा हुआ है। खिलाना मुझे, दो मैं खिलाता हूँ, खाओ आराम से, आराम से, आराम से, मुझे नहीं काटना और आराम से खाना है, चलो खा लो, खाओ ना, खाता भी नहीं है। ये लो अली, तुम इसका मुंह पकड़ो, पकड़ो ना यार, कुछ नहीं कहता, आराम से इसका मुंह खोलो और मैं इसको खिलाता हूँ। हाँ इधर से भी, इधर से भी, इधर हाथ रखो बस ठीक है, अब ये खा लेगा। हम अपनी दवाइयाँ यहाँ से समेटते हैं और इसको यहाँ पर अकेला छोड़ते हैं ताकि ये खुद आराम से खाए और यहाँ पर घूमे फिरे। इसको हम जैसे बिठाते हैं वैसे ही बैठ जाता है और गुस्से में हमें देखना शुरू कर देता है। अभी इसके नाखूनों का टेस्ट लेते हैं कि ये कितने तेज़ हैं। पकड़ो पकड़ो, पकड़ते ही नहीं है, ऐसे ही बस गुस्से में। ओए होए होए, अब तो यहाँ से हम निकाल भी नहीं सकते, काटेगा। सीधे हो जाओ जी, सीधे हो जाओ, ये थोड़ा सा और आगे हो जाओ, अभी मैं जो ही थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, ये खा लेना, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, ये हमें देखेगा और एकदम से ना भाग के ना उड़ने की कोशिश करेगा उस कॉर्नर में या फिर इस कॉर्नर में चला जाएगा। आजकल इसने भी शोर मचाना शुरू कर दिया, मैं इसको कुछ बोलता ही नहीं हूँ। वो रहा मेल, और अच्छा ये फीमेल है, ये सारा दिन इस पानी के अंदर घुसे रहते हैं। जाओ जाओ जाओ, क्या है बच्चा, तो काफ़ी बड़ा हो चुका है, ये देखो पर कितने ज़्यादा आ गए हैं, सेम टू सेम, ये अपने बाप जैसे है। अब नहीं पता ये मेल है फीमेल, माँ जैसे, ओह देखते हैं, ये बाप जैसा है, ये देखो ये माँ जैसे, ये बाप जैसे, माँ के पर ज्यादा है, माँ की, ये देखो ये है ना, माँ है ना, ये बाप है। अच्छा अच्छा, सेम टू सेम, बाप नहीं, बाप नहीं, माँ जैसा है, जिस तरह की ये है ना सेम उसी तरह का ये है। लेकिन इसको हमने यहाँ पे तो नहीं रखना ना, इसको तो हमने यहाँ से निकाला है, तो इसको वापस रख दो यहाँ पर। हाँ ना, इसके माँ बाप जो है ना जिन्होंने इसको पाला है वो कहीं उदास ना हो जाए। आजकल फिर इसने हमें तंग करना शुरू कर दिया है, दो चार दिन इसके साथ फीमेल आई, ये बड़ा खुश हो गया, उसी तरफ रहने लगा, और शायद अब फीमेल इसके करीब नहीं जाती तो ये अब बिल्कुल पैसी ना बिल्कुल फारिग हो चुका है, तो इसलिए इसका और कोई काम नहीं है, वहाँ से जम लगा दे इस तरफ और इस तरफ से यहाँ आ जाता है और सारे पौधे ख़राब कर देता है। पहले इसे निकालो, ये ऊपर की तरफ देख रहा है, आराम से पौधा ना ख़राब कर देगा यार, ये छोटा वाला ना किसी ऐसे कॉर्नर में घुस जाते जहाँ से ये निकलता ही नहीं है। ये चीज़ बास्किंग एरिया कल से यहीं पर लगा हुआ है, इसकी हमने सफाई की तो ये गिरा ही नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है, हमारा एक काम तो ठीक हो गया। इसको भी निकाल दो, लेओ लेओ, सांस ले रहे बुलबुले ऊपर की तरफ आ रहे हैं, बस अभी इसको सेट कर देते हैं और इनको छोड़ देते हैं हम यहाँ पर, तकरीबन 10-20 मिनट इनको हम यहीं पर छोड़ेंगे,
जब ये अच्छे से यहाँ पर घूम फिर लेंगे तो हम इनको वापस एक्वेरियम में छोड़ देंगे। इधर आ जाओ जी, चलो मिलजुल के खाओ। ये डब मुझे थोड़ी सी सुस्त लग रही है, इसको कोई मसला तो नहीं है? इधर आना। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। और बच्चा किधर है? बच्चा नज़र नहीं आ रहा। बच्चा कहाँ पर है यार? ये रहा छोटा वाला बेबी। देखें इसको माँ बाप ने कितने अच्छे से खिलाया हुआ है। इसको भी हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अभी इसको देख कर ना, ये जितनी भी डब है ना, ये सारी इस तरफ आ जाएंगी। इसको भी बाहर रख दो और दूसरे को भी निकाल ही देते हैं, क्योंकि अब ये ज़्यादा यहाँ पर प्यारे नहीं लग रहे। किधर है? उधर है। किस जगह पे? कॉर्नर पे। उधर कैसे पहुँच गए? क्या पता। नहीं यार, वो बच्चा नहीं है, बड़ा है। बच्चा नहीं है, एक छोटा वाला और बच्चा भी था ना, उसको काफ़ी देर से हम ढूंढने की कोशिश करें, यहाँ पर कहीं भी नहीं है। अली कह रहा है उधर है, देख लेते हैं। इसको बड़ी डब मार तो नहीं रही यार? ये तो काफ़ी उड़ लेते हैं। वो देखो ऊपर चला गया, खुद ही उड़कर माशाल्लाह से चला गया। यहाँ पर तीन अंडे, तीनों के तीनों ख़राब। पड़े रहे, फेंक दें। पड़े रहे फिर। ये घास किसने रखा है? फिर इन्होंने खुद रखा है। चले जी, इसको यहाँ पर रख देते हैं। जिनको अंडे देने चाहिए वो देते नहीं हैं, लड़ाइयाँ करते रहते हैं। और जो दो फीमेल हैं ऐसे ही हैं जिनके अंडों से बच्चे निकलते नहीं हैं, वो अंडों पे अंडे दिए जा रही हैं। इन दोनों को देखें कहाँ पर घुस गई हैं। ये एक तो आ गई है। अली 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 अली, पकड़ना। नाखून मारती हैं इतने ज़ोर से दोनों हाथों से ऐसे। आ जाओ जी, तुम भी आ जाओ। शाबाश, चलो छोड़ दिया यार, पकड़ के लाओ ना, नीचे गार्डन में छोड़ते हैं, वो बाद में खा लेंगी। इन्होंने कहीं जाना? रखते हैं ना, रखते हैं। आ जाओ नीचे आओ, फिर रखेंगे। वो हमारे टर्टल किधर गए? एक टर्टल हमारा यहाँ पर है और दूसरा वाला ये देखें कहाँ पर पहुँच चुका है। अली चील, वो देखो कैसे घूम रही है, हमें देखते ही एकदम से ना इसके ड्रामे शुरू हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें अभी भागेगा भागेगा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये देखो रैबिट के साथ दोस्ती कर लो, देखिए कैसे भाग दौड़ रही है। चलें इसको यहीं पर घूमने देते हैं, रैबिट को इधर छोड़ देते हैं। इन दोनों को यहाँ पर ये कुछ खा लें। चलो इनके जी, नाम रखते हैं ना? इनके नाम सोचे हैं? हाँ। मैंने भी सोचे हुए हैं, लेकिन पहले अली से पूछ लेते हैं, क्या पता वो पसंद आ जाए। यार ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ है ना, अब इसने हाथ नहीं आना हमारे। ये देखें अब ये इधर इधर, अब ये हमारे हाथ नहीं आएगा। ये वाली जो है ना, ये बेचारी कम भागती है और हमें कम भगाती है। तो खैर नाम बताओ जी, जो सोचे हैं वो बताना। ये चिंकी है। ये चिंकी ये चिंकी है और मिंकी। चिंकी मिंकी चिंकी और मिंकी। अच्छा तो ये है चिंकी, ये है छोटी वाली चिंकी, और किधर की ये वाली मिंकी। अली ने नाम रखे हैं चिंकी और मिंकी। वैसे यार नाम तो प्यारे हैं। चले इस दफ़ा तुम्हारी मान लेते हैं। वैसे जो मैंने नाम सोचे थे ना, वो भी काफ़ी प्यारे थे, लेकिन वो अभी मैं नहीं बताऊंगा फिर, क्योंकि हमारे पास और भी जो तो परिंदे आएंगे तो फिर मैं वो वाले नाम ना उनके रख दूंगा। अभी अली ने अगर कहा है ना चिंकी और पिंकी, चिंकी और मिंकी, मिंकी चिंकी और मिंकी, मतलब पिंकी नहीं है, पिंकी अगर तीन होती तो तीसरी का नाम चिंकी मिंकी पिंकी। अब ये चिंकी मिंकी गई किधर है? ठीक है मैं समझ गया, इस वाली का नाम है चिंकी, ये चिंकी भाग के जा रही है, और ये पिंकी मिंकी मिंकी सॉरी चिंकी और मिंकी, ये वाली मिंकी। अब से हम इन्हें चिंकी मिंकी बुलाएंगे ना, तो इनको अपने नाम का पता चल जाएगा। सुन 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 के ना इनको पता चलेगा कि ये नाम इन्हीं के हैं। अब ये मिंकी को निकालो ना, चिंकी को मैं पकड़ लेता हूँ। चिंकी तो आसानी से पकड़ी जाएगी, चिंकी भी अब बहुत चलाक होगी जब से मतलब इसने अपना नाम सुन लिया ना, हमने इनका नाम रख लिया है, तो चिंकी मिंकी बहुत ज़्यादा शरारती हो गई हैं, बहुत ज़्यादा चलाक हो गई हैं। सनफ्लावर कल मैंने फेंके थे इनको और खाए जा रहे हैं अभी, शायद अभी इनको भूख लगी है या फिर अभी इन्होंने खाए हैं तो इनको मज़ा आना शुरू हो गया। काफ़ी ज़्यादा निकाल के खा चुके हैं, देखो कितने ज़्यादा नीचे फेंक दिए हैं। ये थोड़ी सी देर तक ना इसको बिल्कुल खाली कर देंगे। अली मिंकी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन पकड़ नहीं सकेगा, मिंकी इसको बहुत भगाएगी इधर। ये देखें ऐसे ही भगाती रहेगी, इतनी तेज़ भागती है ना, सीधा उधर चली गई है, सब्जियों के अंदर घुस गई है, वहाँ पर लहसुन लगा हुआ है, और लहसुन को ख़राब होने से बचाने के लिए हम लहसुन के अंदर नहीं जाते, तो मिंकी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है। ये चिंकी देखें कितनी ज़्यादा शरारती है, कैसे बैठी हुई है। अभी मैं आहिस्ता से इसको ऐसे करूँगा इसलिए भाग जाना है, हमारे हाथ ही नहीं आना। और मिंकी जो है ना, चलो मिंकी, ओहो मिंकी मिंकी को नहीं जाने देंगे, मिंकी पहले ही तैयार है, ये तो एक मिंडी लगाती भाग जाती है। चिंकी उठो, शाबाश, बहुत हो गया रेस्ट, अभी देखिएगा चिंकी कैसे भागेगी। जाओ, जाएगी जाएगी,
मिंकी भी जाएगी तब चिंकी जाएगी। जो रेस हो गई है, मिंकी तो भाग गई है जी, चिंकी जाओ जाओ ना यार जाओ, अभी नहीं भाग रही, एकदम से भागेगी फिर हमारे हाथ ही नहीं आएगी। यार इसको देखें कहां पर चढ़ के बैठा हुआ है, ये रात को भी एक दफा इधर चढ़ के बैठ गया था, इसको ये जगह पसंद आ गई है, लेकिन हम इसे बिठा नहीं सकते क्योंकि टर्की का मेल जो है ना वो बार बार लड़ाई करने के लिए इसके साथ यहाँ पर आ जाता है, तो इसको तो हमने वहीं पर बंद करना है जहाँ पर हमने बंद किया था दो दिन से, मतलब कल रात को भी और उससे पहले भी। और ये रही चिंकी, चिंकी देखे ना कितनी बदतमीज हो गई है, कैसे भागती है, और इसका भी ठिकाना है यही वाला लेमन का पौधा है, इसी के नीचे आती है। और मिंकी इधर अभी फूल खा रही थी, और हमारे टर्टल जो है ना, एक टर्टल तो शुक्र है मिल गया, मुझे लगा गायब हो गया यहाँ से, इस तरफ कहीं बाहर निकल गया हो। एक रहा ये और दूसरा उधर से घूमते घूमते है ना यहाँ पर पहुँच चुका है। चलो जी बहुत हो गया घूमना, अब हम इनको वापस इनके घर में छोड़ेंगे यानी कि एक्वेरियम में, और फिर चिंकी मिंकी को भी ऊपर छोड़ देंगे। बाकी आपने ये ज़रूर बताना है कि आपको ये नाम कैसा लगे, यार मुझे पहले सुन के ना बड़ी हंसी आई है, लेकिन अली ने रखा है तो वो सोचेगा कि मेरा कहना नहीं माना जा रहा, तो फिर उसके कहने पे फर्स्ट टाइम उसने कुछ बोला है तो उसके कहने पे हमने इनका नाम चिंकी मिंकी रखा है। वैसे काफ़ी अच्छा नाम है, मुझे भी पसंद आया है, तो यकीनन आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में यार, अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।